और इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है इस केस से जुड़ी हुई कि शिजान का परिवार भी थाने में मौजूद है। वालीद पुलिस स्टेशन पर अब शिजान का परिवार भी पहुंचा हुआ है। शिजान के परिवार के भी बयान आज पुलिस दर्ज कराने वाली है। इससे पहले हमने आपको अपडेट दी कि वाली पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं टुनिशा के परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी माँ, मामा और मौसी शामिल हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वाली पुलिस स्टेशन में ही शिजान का परिवार भी मौजूद है। शिजान के परिवार की तरफ से लोगों का क्या कहना है, किस तरह का रिलेशनशिप था टुनिशा और शिजान का, ब्रेकअप की क्या कुछ वजह हो सकती है, क्या ब्रेकअप के बाद भी टुनिशा ने कभी कोशिश की कि शिजान उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। जिस दिन टुनिशा ने अपनी जान ली उस दिन भी 15 मिनट पहले उसने शिजान के साथ लंच भी किया था। वो 15 मिनट की क्या गुत्थी है, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों के बयान दर्ज कर रही है। कुल मिलाकर अब तक 21 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, टुनिशा शर्मा सुसाइड केस में अब पुलिस को शिजान और टुनिशा के बीच हुई चैट से सबूत मिलने की भी उम्मीद है। साथ ही शिजान की जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है उसकी भी तलाश जारी है। टुनिशा की मां ने शिजान पर आरोप लगाया था कि शिजान के कई लड़कियों के साथ अफेयर्स थे। टुनिशा शर्मा की सुसाइड मिस्ट्री पहली बनती जा रही है। इस केस में पुलिस लगातार सबूतों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का खुलासा होने के बाद तो मामला और भी उलझ गया है। आखिर कौन है ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड? क्या सीक्रेट गर्लफ्रेंड की वजह से ही टुनिशा ने खुदकुशी की? पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की वजह से ही टुनिशा और शिजान में दूरियां हैं। पुलिस ने शिजान और टुनिशा की मोबाइल चैट भी रिट्रीव कर ली है। इस चैट के जरिए पुलिस ब्रेकअप की वजह को तलाश कर रही है। पुलिस इस संबंध में टुनिशा और शिजान के घर वालों से फिर पूछताछ कर सकती है। टुनिशा की मां ने शिजान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिजान पर आरोप है कि उसके कई और भी लड़कियों के साथ अफेयर थे। सूत्रों के मुताबिक टुनिशा सुसाइड केस में आखिरी 15 मिनट की मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। मामले की पूरी जांच इन्हीं आखिरी मिनटों पर टिकी है। 24 दिसंबर की दोपहर खुदकुशी से ठीक 15 मिनट पहले टुनिशा शिजान दोनों साथ लंच कर रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि टुनिशा ने तुरंत आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठा लिया? टुनिशा के परिवार के मुताबिक खुदकुशी से 15 दिन पहले शिजान से उसका ब्रेकअप हुआ था। घटना वाली सुबह टुनिशा घर से खुश निकली थी, यानी टुनिशा ने खुदकुशी का फैसला लंच के दौरान उन्हीं आखिरी 15 मिनटों में लिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले टुनिशा के परिजनों से मिले। उन्होंने कहा कि शिजान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब इनको सजा मिलनी चाहिए, कौन से साइड से सजा होनी है, लेकिन उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी मतलब इसके बारे में जरूर विचार करेगा। अब टुनिशा सुसाइड केस में पुलिस की जांच का फोकस दोनों के बीच हुई चैट पर टिका है। शिजान 30 दिसंबर तक पुलिस की रिमांड पर है। मुंबई से यशा कोटक और अंकुर त्यागी के साथ अश्विन पांडे, जीवी। और इस केस में पुलिस के हाथों व्हाट्सएप चैट भी मिली है। व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करवाई गई है जो कि टुनिशा और शिजान के बीच हुई थी। आइए आपको बताते हैं कि क्या इस व्हाट्सएप चैट से इस पूरे केस का राज खुलेगा। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो ये है कि टुनिशा और शिजान के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, पुलिस ने उसे रिट्रीव करा लिया है। और बताया ये जा रहा है कि टुनिशा और शिजान के बीच 250 से 300 पन्नों की चैट हुई है। ये चैट किस ड्यूरेशन में हुई है ये भी पता चल गया है। इस साल जून से लेकर टुनिशा की मौत के पहले तक की ये तमाम चैट रिट्रीव कर ली गई है शिजान के फोन से। चैट में पुलिस ब्रेकअप की वजह भी तलाश रही है। इन दोनों के बीच जून से लेकर टुनिशा की मौत से पहले तक क्या कुछ बातचीत हुई, क्या उससे मौत की वजह पता चल जाएगी, ब्रेकअप की वजह पता चल जाएगी। दोनों के बीच एक महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन टुनिशा ने अपनी जान ली उस दिन भी दोनों के बीच में चैट हुई है। तो लगातार इस चैट से अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि पता लगाया जाए कि आखिर दोनों के बीच के ब्रेकअप की क्या वजह थी और आखिर टुनिशा ने अपनी जान देने का फैसला क्यों किया। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आ रही है कि दोनों परिवार, शिजान का परिवार भी और टुनिशा का परिवार भी, पुलिस स्टेशन में मौजूद है अपने बयान दर्ज कराने के लिए। क्या बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आज शिजान के परिवार को बुलाने का फैसला पुलिस ने कैसे लिया, किस एंगल को जांच रही है?
क्योंकि फिलहाल ये बात कल ही तय हो चुकी थी कि जो तुनिशा है उनकी माँ है वनीता, चूंकि उनकी मेंटल स्टेटस बहुत ठीक नहीं है, अभी भी वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, लेकिन फिर भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अंतिम संस्कार हुए 2 दिन हो चुके हैं और पुलिस लगातार उनका वेट कर रही है। पुलिस को इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। और वनीता जो शर्मा है, जो तुनिशा की माँ है, वो इस पूरे केस में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ब्रेकअप होना, ब्रेकअप से पहले जो रिलेशन दोनों के बीच में होना, इस तमाम चीज़ों की जो सीधी जो फर्स्ट हैंड जो गवाह रही हैं वो खुद तुनिशा की माँ जो वनीता शर्मा है, लेकिन वो रही हैं। उनको पता था कि उनकी बेटी का ब्रेकअप हुआ है, वो डिप्रेशन में है और वो किस तरह की हरकतें कर रही है, उसका मेंटल ट्रॉमा कितना ज़्यादा है, क्या क्या हुआ था, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो तुनिशा की माँ के स्टेटमेंट में निकल कर आनी है। ये पुलिस को एक्सपेक्ट कर रही है। अब फिलहाल आज उसकी बाँ को बुलाया गया है, उसके मामा पवन शर्मा जो है उनको बुलाया गया है, और तुनिशा की मौसी हैं उनको भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा जो शिजान है उसकी जो बहनें हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। पुलिस की जो कोशिश है वो इस इन्वेस्टिगेशन में ये पहलू जानने की कोशिश है कि जब से ये ब्रेकअप हुआ और 15 दिन के बाद तक 24 दिसंबर को जब दोनों के दोनों लगातार सेट पे काम कर रहे थे और लगातार दोनों के बीच में जो बातचीत थी वो चल रही थी ब्रेकअप के बावजूद भी, वो किस तरह की थी, किस तरह का कन्वर्सेशन था, और जो थर्ड लेडी है उसका क्या रोल है, उसके बारे में क्या जानकारी है, वेयर अबाउट्स क्या है, कि अभी तक वेयर अबाउट्स कम से कम मीडिया तक तो नहीं आए हैं, पुलिस को भी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जी, तो इस वक्त ये तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश में है पुलिस, और इसी के चलते शिजान की तरफ से भी आज उनके परिवार को भी बुलाया गया है पुलिस स्टेशन में। अंकुर, तो शिजान के परिवार से ये भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर उनका क्या इम्प्रेशन था दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, और ब्रेकअप के बाद भी क्या किसी तरह की कोशिश की गई तुनिशा के तरफ से कि रीच आउट करें, शिजान के परिवार से बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शिजान ने धर्म को भी एक बड़ा रीजन बताया था ब्रेकअप का। देखिए, शिजान है, शिजान का जो करैक्टर है वो बहुत सस्पिशियस है, ऐसा पुलिस को लगता है, और जो तुनिशा के जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो बेहद सख्त हैं। अगर जैसे हमें जो हमारी बातचीत हुई थी तुनिशा के मामा पवन शर्मा से, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो शिजान है उसकी मदर को इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, और उसकी मदर को शिजान का जो एक और महिला के साथ, एक और लड़की के साथ जो अफेयर चल रहा है उसकी भी जानकारी है। जो शिजान की माँ है वो लगातार तुनिशा के संपर्क में थी, उसे चैट कर रही थी, उनसे बात कर रही थी। तो इसी जो केंद्र बिंदु है शिजान की माँ, इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द जो कहानी निकल कर आती है वही जानने के लिए आज इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जो शिजान है उनकी माँ को बुलाया गया। ठीक है अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Oh, oh, oh.